अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे आलू सैंडविच। ये देखिए कितना क्रिस्पी बनके तैयार होता है और ये बच्चों से लेके बड़ों तक बहुत सबको ही बहुत पसंद आता है। तो आइए झटपट बनाना शुरू करते हैं। मैं ज्योति जायका अपने घर के में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, आज हम सैंडविच बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर पैन लिया है, ऑयल लगाया है 2 टेबलस्पून, जीरा डाला है 1/2 छोटा चम्मच। जीरे को हल्का सा फ्राई करेंगे, फिर इसमें डालेंगे 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें और 1 प्याज जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। इसको भी हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को करेंगे थोड़ा मीडियम और इसमें डालेंगे 1 पिंच हल्दी, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच है यहाँ पर चाट मसाला पाउडर। तो इनको हमको तेल में 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे अच्छे से। और फिर यहाँ पर 3 से 4 उबले हुए आलू डाल देंगे और इनको आलू के साथ अच्छे से मिलाएंगे। स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा हरा धनिया, इन सबको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। फ्लेम को करते हैं बंद। तो अब करते हैं, यहाँ पर स्टफिंग भी तैयार है। स्टफिंग थोड़ी सी ठंडी हो गई है हमारी। तो यहाँ पर मैंने ब्राउन ब्रेड लिए हैं। ब्राउन ब्रेड हेल्दी होते हैं और अगर आप चाहें तो वाइट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रेड पर लाल वाली सॉस लगाएंगे, या फिर टमाटो केचप भी लगा सकते हैं आप। इसी तरीके से हम दूसरी ब्रेड पर भी लाल वाली सॉस लगा लेंगे। अगर आप सॉस ना भी लगाएं तो भी ये सैंडविच बन सकता है। तो सॉस लगा ली है दोनों ब्रेडों पे। अब लगाएंगे हम इस पे आलू की स्टफिंग। आलू की स्टफिंग को हमको अच्छे से फैला फैला कर लगाना है। आप चाहे तो थोड़ी सी मोटी कोटिंग भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा आलू पसंद है सैंडविच में। या मैंने इस तरीके से फैला फैला कर पूरे ब्रेड पे स्टफिंग तैयार कर ली है। इसी तरीके हम दूसरे ब्रेड पे भी स्टफिंग को फैला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से फैला फैला कर। तो यहाँ पर दोनों ब्रेड पर मैंने स्टफिंग लगा ली है। इस तरीके से आपको भी लगा लेनी है अच्छे से। तो हम 2 ब्रेड और लेंगे और उस पर लगाएंगे हम हरी वाली सॉस। ये देखिए इस तरीके से हमको हरी वाली सॉस अच्छे से लगानी है और इसको हम कर देंगे इसके ऊपर, इस तरीके से रख देंगे और दबाते हुए हल्का सा प्रेस करेंगे, ज़्यादा नहीं। इस पर भी हम ग्रीन वाली सॉस लगा लेंगे इस तरीके से अच्छे से फैला फैला कर, और इसको भी हम इसके ऊपर रख देंगे। तो देखिए कितने जल्दी से तैयार हो गए हैं सैंडविच। तो चलिए इनको करते हैं फ्राई। तो पैन हम लोगों ने यहाँ पर रख लिया है, गैस को कर लेते हैं जल्दी से ऑन और लगाते हैं इस पर थोड़ा सा मक्खन। आप ऑयल में भी कर सकते हैं, नहीं तो मक्खन में ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इस तरीके से हम लोग पहले रखेंगे एक सैंडविच, हल्का सा प्रेस करके रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे ताकि धीरे धीरे क्रिस्पी बने। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो जल जल जाएगा एकदम से ही, तो इसलिए आप मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें। ये देखिए इस तरह पलट पलट कर 2 से 3 मिनट लगेंगे। इसको निकाल लिया हम लोगों ने प्लेट में। इसी तरीके से दूसरा टोस्ट भी हम तैयार कर लेंगे। हल्का सा मक्खन, मक्खन को इस तरीके से हल्का हल्का घुमा घुमा कर ब्रेड को क्रिस्पी कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर, और ऊपर भी ऊपर के साइड भी हम लोग मक्खन लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से पलट पलट कर अच्छा सा क्रिस्प हो गया है। इसको भी निकाल लेते हैं प्लेट में और फ्लेम को करते हैं बंद। तो तैयार है यहाँ पर आलू सैंडविच। ये देखिए आप इस तरीके से भी तैयार करके खा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कट करके दिखाती हूँ। कट करके भी बहुत अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी, इजीली बच्चों से हैंडल हो जाता है और वो खा लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। ये देखिए
कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीन और हरी चटनी हमको थोड़ी थोड़ी दिख रही है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैंने कट कर लिए हैं दोनों पीसेस को। मैं इसी तरीके से ये वाला ब्रेड भी कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से कट कर लिया है, तो सैंडविच बनके तैयार है। तो यहाँ पर सैंडविच बनके तैयार है, आप देख सकते हैं कितने यम्मी लग रहे हैं देखने में भी, और कुरकुरे तो बने ही हैं। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अगली बार मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।